Kalki. Press the bell icon and never miss a video from Laren TV. ये जो बीच में है, ये जो बीच में दलाल जो है, जो हमारा सामान लेके पब्लिक को देते हैं, दलाली तो हुई ना, और क्या। और आजकल वैसे भी किसी सॉन्ग राइटर को उसके काम की तारीफ की जाए ये आसान नहीं है। सॉन्ग राइटर मौका नहीं दे रहे, देखते हैं कैसे करते हो तारीफ, हम भी देखते हैं। बहुत इनके ही शब्दों में बताऊं, आजकल जो हमारे यहाँ गीत होते हैं, अगर उन्हें गीत कहा जा सकता है, तो चलिए, हमारे एक ज़माने में ऑर्केस्ट्रा होता था कि सिंगर को थोड़ा आराम मिल जाए, बीच में थोड़ी म्यूजिक चले। अब सिंगर होता है कि ऑर्केस्ट्रा को थोड़ा आराम मिले, ये सही बात। अच्छा, एक और नई चीज़ चली है कि जो ऑर्केस्ट्राइजेशन होता है, आमतौर से आप देखेंगे उसमें परकशन जो है वो आवाज़ के ऊपर होता है। जो ड्रम बज रहा है, तबला बज रहा है, तबला तो खैर अब होता ही नहीं है, जो भी बज रहा है ऊपर, वो आवाज़ के ऊपर है, आवाज़ कहीं नीचे है। अब कभी कभी खोद के आप निकाल लेते हैं, कभी नहीं निकालते। तो जब आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही है तो उसमें शब्द अच्छे क्या बुरे क्या। तीन चार बातें हो गई हैं। एक तो हुआ ये है कि भाई अब अटेंशन स्पैन लोगों का कम हो गया, अब जो कुछ कहना है भाई जल्दी कहो, ये तो SMS का ज़माना है, ये तो ट्वीट का ज़माना है। तो अब वो ट्वीट और SMS म्यूज़िक में भी आ गया है, तो अब वो इतनी तेज़ होती है ट्यून कि उसमें शब्द के तो वैसे ही भुर्ता बन जाता है। तो चलो अच्छा भी है, अक्सर शब्द ऐसे होते हैं कि ना सुनाई दे, यही अच्छा। अब ये ज़माना, हम तो ये गाने सुनते हैं। मैं रोज़ सुबह 1 घंटे वॉक पे जाता हूँ, मेरा बड़ा सिंपल सिस्टम, मेरे फ़ोन में लता जी के 2,500 गाने हैं, किशोर दा के 2,500 गाने, मैं उसे ऑन कर लेता हूँ, वो बजता है, उसे सुबह 1 घंटे तक चलते चलते सुनता रहता हूँ। एक आध और सिंगर का भी मैंने ट्राई किया था, मैं फिर 1 घंटे वॉक नहीं कर पाता। पुराने गीतों में ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, एक जो संस्कार है उन गीतों के, ये गीत सिर्फ गीत नहीं होते हैं, ये आपको उस समय के क्या संस्कार है, क्या जीने का ढंग है, क्या लोगों के विश्वास है, किस तरह से लोगों का व्यवहार क्या है, उनके मूल्य क्या है, वो सब मालूम होता है आपको। आपको धुन से भी मालूम होता है, आपको आवाज़ से भी मालूम होता है, आपको शब्दों से भी मालूम होता है। अब एक आवाज़ कहलाते ग्रंजी वॉइस, अगर बिल्कुल क्लीन शरीर जैसी आवाज़ है तो वो ठीक नहीं है, कुछ आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जरा जो लगे कि जैसे गीला तौलिया लपेट गया है, वैसे कल उसमें डोरियाँ निकली हुई हैं, वैसा आवाज़ भी वैसी होनी चाहिए, धुन भी ऐसी होनी चाहिए कि जो झटके से चले, आराम से ना जाए, शब्द भी ऐसे होने चाहिए कि जितने करीब हो सके गाली के उतना अच्छा। तो ये कुछ आपको दर्शाता है कि ये क्या हो क्या रहा है समाज में और क्यों हो रहा है। हम जब गाने सुनते हैं आज 60s के 50s के, तो उसमें कुछ संस्कार है, कोई तहजीब है, वो गाने में भी है, वो धुन में भी है, वो शब्द में भी है। जो बात कही जा रही है तमीज़ से कही जा रही है, जो धुन है वो तमीज़ से आगे चल रही है, जो गाया जा रहा है वो एक शराफत के साथ गाया जा रहा है, वो आपको मिलते ही नहीं। और ये जो बीच में है, ये जो बीच में दलाल जो है, जो हमारा सामान लेके पब्लिक को देते हैं, दलाली तो हुई ना, और क्या। तो वो ये कहते हैं पब्लिक को यही चाहिए, यंग जनरेशन को यही चाहिए। अरे यंग जनरेशन को यही चाहिए
तो फिर सारे जो म्यूजिकल कॉन्टेस्ट आते हैं टीवियों पर उन पे लता मंगेशकर के गाने क्यों गाती हैं लड़के? बंद कर दें, वो पुराने गाने ना जो अभी के हैं उतने गाती हैं, वो तो वही गाने गाती हैं पुराने, या रफी के गाने गाते हैं लड़के, किशोर के गाने गाते हैं, मुकेश जी के गाने गाते हैं, ये तो नहीं गाते जो आज है। तो यंग जनरेशन पे झूठा इल्जाम है कि उनको ये चाहिए। सच ये है कि जिनके हाथ में धंधा वो उनका ये टेस्ट है, उनकी ये समझ है। और हिंदुस्तान का जो संगीत, फिल्म का संगीत है, वो एक ऐसी चीज है कि आप चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, आप स्वीडन चले जाइए, आप सिंगापुर, आप कहीं चले जाइए, वहाँ जब शाम को आपको रिसेप्शन होता है, पार्टी होती है कि भाई ये आए हैं, तो सब लोग आते हैं बड़े अच्छे कपड़े पहने आते हैं, उनके मैनरिज्म भी जो होते हैं बड़ी डिग्निटी से मिलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, कोई अपनी हिंदी पिक्चरों का गाना गाना शुरू करता है और सबके सब वो डिग्निटी और वो स्टाइल का खत्म हो जाता है, सब स्कूल के लड़के लड़कियाँ बन जाते हैं और सबके सब गाने गाने लगते हैं, वही 60s के, वही 50s के, वही मैक्सिमम 70s के, यही गाने होंगे यार। हिंदुस्तान का जो फिल्म संगीत है वो हिंदुस्तानियों को जोड़ता है। लता जी ने हजारों गीत गाए हैं, सचिन तेंदुलकर ने सैकड़ों रन बनाए हैं, इतना ही नहीं है, हिंदुस्तानी इनकी वजह से हिंदुस्तानी होने पे गर्व करता है, अपने को हिंदुस्तानी महसूस करता है विदेश में भी जब इनके गीतों को याद करता है, जब उस खेल को देखता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये तब होता है कि जब हम जानते हैं कौन गा रहा है, क्या गा रहा है, तो याद रहेगा ना। जब ना ये पता चले कि कौन गा रहा है, जब ना ये पता चले कि क्या गा रहा है, तो यही याद रहेगा कि बड़ा दुख हुआ था। Hi, this is Ayushman Khurana and I congratulate Lehre for completing 30 years.